हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफ स्टाइल में। तो चलिए आज बनाते हैं ये टेस्टी सी प्याजी भिंडी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। इसके लिए मैंने ले ली है भिंडी, और ये थोड़ी सी छोटी वाली ली है ना, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो हमेशा भिंडी लें तो हमेशा छोटी वाली लें, और इसको मुझे अब कट करना है। तो इस तरह से मैं इसको दो पीसेस में कट करूंगी, और ज़्यादा बड़ी भिंडी है तो आप उसको तीन पीस कर ले, मतलब एक एक इंच टुकड़े में मुझे इसको कट करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चढ़ा देते हैं गैस पे पैन और डाल देते हैं सरसों का तेल। तो इसे मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में भिंडी का सौंधापन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और इसको मैं पूरे में फैला के अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ सबसे पहले एक प्याज, और उसको मैंने इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट करके रखा है, और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है, एकदम लाल नहीं करना है, बस इसको ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा सा कच्चापन इसका निकल जाए, उतना ही करना है। चलिए भिंडी देखिए मैंने इस तरह से सारी कट करके रख ली है एक एक इंच के टुकड़ों में। अब मैं प्याज को अच्छे से, ये देखिए हो गया है, इसको भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। और इसी पैन में देखिए ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, उसमें ऑयल है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये भिंडी जो मैंने कट करके रखी थी, वो इसमें इस तरह से डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा इसी में चला लेते हैं। तो इस तरह से भिंडी जब बनाएंगे तो एक तो इसका कच्चापन निकल जाता है जल्दी, और जो इसमें पानी होता है वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब भिंडी बनाते हैं तो उसमें उसका लिसलिसापन नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा वो अच्छी बन जाती है। तो चलिए इस तरह से मैं भिंडी को लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम आंच में इसी तरीके से फ्राई करके रख लेती हूँ। तो भिंडी भी रेडी है, प्याज भी रेडी है, आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। फिर से सेम पैन में मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और इसको भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। फिर डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच मेथी का दाना। तो मेथी का दाना डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसलिए जीरा और मेथी को अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए ये अच्छे से भून गया है, और अब मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच दरदरा लहसुन, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद मुझे इसको भूनना है ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। ये खाने में आप इसको ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक, इसको कुरकुरी भी हो जाएगा लहसुन, तब तक मुझे इसको भूनना है धीमी आँच में। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ मसाले। तो इसमें सबसे पहले डाल दी है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए मिर्च को थोड़ा सा हल्दी को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब लिया है मैंने 1 बड़ा टमाटर और इसको मैंने पीस लिया है, वो ही इसमें डाल देते हैं। इसको डालने के बाद मुझे इसको भूनना है, तो टमाटर को थोड़ा भून लेंगे ताकि अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। चलिए साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए और अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए। तो इसमें मैंने डाला है लगभग 1.5 बड़े चम्मच नमक के, टेस्ट अपने अकॉर्डिंग ही रखें। चलिए इसको भी भून लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट हो रहा है, ये बिल्कुल इसके मतलब टमाटर मेरे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ लगभग 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, इस तरह से। इससे ज़्यादा मसाले मैं बिल्कुल नहीं ऐड करने वाली हूँ, बस 1 चम्मच डाल दिया है। और इसको भी डाल के मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। जब भी आप मसाला डालें गाइस, जो मार्केट से लाते हैं ना, उसको ऑयल में थोड़ा सा भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें जो जब तक वो भूनेगा नहीं उसका कच्चापन नहीं जाता है, उससे फ्लेवर सब्जी में नहीं आता है, इसलिए उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब डाल देते हैं भिंडी फ्राई करके रखी थी, वो डाल देंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए क्या बढ़िया सा ये मिक्स हो गया है। और अब लगा देते हैं इस पे कवर और इसको पकने देते हैं धीमी आंच में लगभग 1.5 से 2 मिनट। और साथ ही साथ 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे, और इस टाइम पे जब डालेंगे तो इसका फ्लेवर भिंडी में बहुत ही बढ़िया आ जाएगा।
चलिए एक दो मिनट बाद खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से भिंडी हो रही है। अभी भिंडी थोड़ी कच्ची है, इसको मुझे थोड़ा और पकाना है, इसलिए एक मिनट इसी में मैं फिर से धीमी आंच में छोड़ देती हूँ ताकि भिंडी थोड़ी सी और कुक हो जाए। एक मिनट बाद फिर से खोल के चेक कर लेते हैं, क्या बढ़िया सा खुशबू आ रही है मसालों की। अब ये ऑयल भी सेपरेट आप देख रहे हैं हो गया है। इस टाइम पे अब मैंने जो प्याज फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देते हैं और डाल दे के इसको फिर से मैं तारा चला लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया सा मैंने चला लिया है। अब फिर से लगा देते हैं कवर ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए, प्याज में भी मसालों का फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद मैंने इस सब्जी को निकाल लिया है गर्मा गर्म और इसको डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो बिना धनिया की पत्ती के तो कोई भी सब्जी अधूरी लगती है और इसका टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाता है। तो चलिए ये सब्जी का इस बन के मेरी बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर इंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज।